हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरी न्यू रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 सिग्नल्स मार्स ग्रे एडिशन, ये अभी कंप्लीट हो रही है। इसमें मैंने मॉडिफिकेशन करवाया है, कुछ एक्सेसरीज भी लगवाई है। अभी अलॉय व्हील लगाई जा रही हैं। रियर टायर में तो अलॉय व्हील लग रही हैं, फ्रंट वाले टायर में लग रही है। इसमें मैंने केवल तीन एसेसरीज लगवाई हैं, एलॉय व्हील, सीट कवर और लेग गार्ड। तीनों का प्राइस भी मैं आपको बताऊंगा। न्यू जनरेशन में सबसे अच्छा कलर मुझे यही लगा फ्रेंड्स, इसलिए मैंने इसे बुक कराया। इसका मीटर कंसोल, बस थोड़ा ही काम और बचा है अलॉय व्हील का। ये सीट कवर मैं चेंज करवा रहा हूँ, सॉरी न्यू लगवा रहा हूँ। राइडर सीट पे लग गया है कवर, ये पिलियन सीट पे लगने जा रहा है। और आप लोग देख सकते हैं कैसे इसे खोल कर कहाँ से क्या होता है, हलंकी रिंच लगती हैं इसमें। फ्रेंड्स, से सीट कवर मुझे 800 रुपीज़ का पड़ा है और एलॉय व्हील 12,500 की पड़ी हैं। और ये अपना लेग गार्ड जो है ये 3,550 का पड़ा है। केवल तीन एसेसरीज मैंने ली हैं। फ्रेंड्स, कलर बताएं कमेंट सेक्शन में कैसा लगा। पिलियन सीट आप हटा भी सकते हैं, सिंगल सीट भी इंजॉय कर सकते हैं आप। और जब मैंने इसकी टेस्ट राइड ली तब मैंने देखा कि पुराने वाले मॉडल से ये काफ़ी इसको इम्प्रूव किया गया है। और सबसे ज़्यादा वर्क तो मुझे लग रहा है इसके वाइब्रेशन में किया गया है, क्योंकि वाइब्रेशन काफ़ी 90% तक कम हो गए हैं। 80-90 की स्पीड में आप इसके आराम से क्रूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो सीट कवर है ये स्टेपल वाली नहीं है, ये कॉमन जो धागे से टाइट की जाती है वो है। आप देख सकते हैं इसे, इस धागे से ही टाइट की जाती है, क्योंकि स्टेपल वाली वो ज़्यादा ठीक नहीं होती। टाइट तो हो जाती है लेकिन जब भी उसे चेंज करवाना होता है तो रीस्टेपल करवाना पड़ता है। ये मुझे ज़्यादा ठीक लगा इसलिए मैं ये लगवा रहा हूँ। यहाँ से इसे सीट में लग करके तब हैंडल, ग्रैब हैंडल लगाई जाएगी। राइडर सीट पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं स्प्रिंग का सेक्शन दिया गया है, जहाँ पे आप एज एसेसरीज स्प्रिंग लगवा सकते हैं, जैसे ओल्ड मॉडल में लग के आ रही थी। अभी तक BS6 में स्प्रिंग के दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। मुझे नहीं पता ये क्यों रॉयल फील्ड वालों ने यह हटा दिया, इसे लगा रहना चाहिए था, उसे एज ए पार्ट ऑफ एसेसरीज कर दिया है। प्राइस को भी इन लोगों को मेंटेन रखना था, अदरवाइज प्राइस 3 या 3 लाख पहुँच जाती तब भी प्रॉब्लम थी। किक भी हटा दिया है, काफ़ी प्राइस मेंटेन रखा है इन लोगों ने। अदरवाइज़ इस न्यू जनरेशन क्लासिक 350 का प्राइस 3 लाख टच कर जाता, ऐसा मेरा मानना है। सो फ्रेंड्स, ओवरऑल बाइक अपनी कंप्लीट हो चुकी है, बस थोड़ा सा काम बचा है। तो फ्रेंड्स, बाइक कंप्लीट हो गई है, अब नेक्स्ट वीडियो रिव्यू के ऊपर मिलेगा आपको, और मैं सारे अपने पर्सनल रिव्यू दूंगा। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपने देख ही लिया, सारा काम कंप्लीट हो गया है। रिव्यू में आपको A to Z सभी बातें बताऊंगा, क्या मुझे अच्छा लगा, क्या ख़राब लगा, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।